नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल MRS मस्ती पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इस चैनल पे मैथ और रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। समझाने की तो गारंटी, समझ में तो पक्का आएगा, और क्वेश्चन आपको इस टाइप से समझा दिया, आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा ना कि कहीं भी एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को बना के आइएगा। सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न यहाँ पे सोल्व कराए जाते हैं, ठीक ना। और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, और अच्छे से इतना सीख जाओगे कि आपको बिना पेन उठाए सोल्व करना आ जाएगा, ठीक ना। चाहे वो NTPC का, ग्रुप डी, SSC, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। आज आप इस वीडियो को ना अभ्यास के तरीके से देखिए, जैसे अभ्यास करते हो, रिवीजन करते हो, इस प्रकार से देखिए। और अगर आपने अभी तक मैथ रीजनिंग कहीं पढ़ा है ना, तो आज आपको रीजनिंग के क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो आप वीडियो को क्वेश्चन को सोल्व होने से पहले ही कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या आंसर होगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। फाइनली पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और अगर आप रीजनिंग अभी तक पहले सोल्व करते रहे हो तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सोल्व कर पाओगे। पढ़िए क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अभी चार को विकल्प दिया गया ना, उस संबंधित संख्या चुन के बताना है जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे, ठीक ना। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे आपको बताना है कि संख्या कौन सा आएगा इन चार ऑप्शन में से। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो को रोक दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर ढूंढ के लिखिए, इस पर वीडियो का सोल्यूशन देखना। उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। अब चलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो अच्छे से देख के जाइए पूरी वीडियो, सभी क्वेश्चन एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आप अपने आप को टेस्ट भी कर लो कितना आप बना पा रहे हो कि नहीं। देखो अब आपने क्या किया होगा, कई तरीके हैं, जैसे 7 में 2 जोड़ा, 7 दूनी कर दिया, 2 गुणा कर दिया, 7 दूनी 14 हो गए, तो 14 हो गई, 14 का 4 लिख के 0 लगा दिया। तो ऐसा इसमें कहीं हो रहा है, 5 को 20 की तो 2 आएंगे, 2 कहेंगे करोगे 20 हो जाएंगे, ऐसा इसमें किसी में बनेगा नहीं। दूसरा तरीका देखो, कोई और तरीका सोचो, तो ऐसे सोच लो 72 में से 40 कम कर दो, 72 में से 40 कम करो, तो 2 7 में से 4 3 32, तो इसमें भी 32 का अंतर होना चाहिए, 30, तो इसमें जब 32 का अंतर होगा तो ये कितने हो जाएंगे, तो 62 होना चाहिए, 62 किसी ऑप्शन में, 62 30 32 का अंतर हो जाएगा। ऐसा भी कहीं नहीं है, ऐसा कुछ ना मिले तो फिर एक तरीका है, क्या तरीका है, इन्हें कटा लो अनुपात में, इन्हें कटा लो, देख लो किस अनुपात में है। तो 4 से कटाओ तो देखो 4 दहाई 40, इधर 4 से कटाओ 4 एकम 4 3 4 32 4 8 32, फिर से कटा लो 2 से और कटा लो, 2 9 18 और 2 5 10, मतलब ये 9:5 के अनुपात में लिखे हैं। इसे भी आप 9:5 के अनुपात में लिख दीजिए। तो देखो 9:5 के में लिखना है, अब इसे 5 बनाना है, तो कितने का पारा पड़ोगे, जो 30 आ जाए 5 पे, तो 6 का पारा पड़ोगे तभी आएंगे, 6 5 30, 5 का अनुपात बन जाएगा 6 5 30, 6 का पारा पड़ा 5 बार में 30 आ गए, तो 6 का ही पारा पढ़ो कितनी बार, 6 5 30, अब 9 बार पढ़ो, अनुपात में 9 में बार बनाना है ना, तो 6 9 54 कितने होंगे, 6 9 54 होंगे, ठीक ना, 6 9 54, समझ आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल मतलब आप समझ नहीं पाए। ये 9:5 है ना, ऐसे देखो 9:5 में ये लिखा है पहला वाला संख्या, इसे भी आपको 9:5 में लाना है। तो देखो ये 5 है, तो 5 की जगह यहाँ पे कितना, ये अनुपात में 5, ये रियल में 5, तो 5 30 के बराबर हुए, तो 1 का मान कितना हुआ यहाँ से, 6, भाई अनुपात 5 का मान हुआ 30, है ना, क्योंकि अनुपात 5 है, ये 30 है, तो अनुपात 1 का मान यहाँ से क्या हुआ, 6, 1 का मान 6 हुआ है, तो यहाँ तो 6 5 30 हो गए, यहाँ पे 6 9 54 कितने हो गए, 54, तो 54:30 में लिखा जाएगा ये, तो 30 तो लिखा ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54, ठीक ना। और 54 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 54, समझ आ रहा है, बिल्कुल उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और देख लो एक बार अच्छे से क्या जा रहा है, देखो फिर समझो, ये 72:40 है ना, कटा लो, चलो 9 से कटा लो, 9 से नहीं कटेगा, ये 8 से कटेगा, देखो 8 5 40, 8 9 72, 9:5 में आ गया, ऐसे भी 9:5 में ही बनाना है। तो इधर तो 9:5 की जगह तो 10 30 लिखे, 9:5 की जगह कितने लिखे, 30 लिखे, तो 1 का मान यहाँ से पता लगेगा कितना होगा, 6, क्योंकि 6 5 30 होते हैं, 1 का मान 6, इधर 9:5 क्या करना है, 9:5 करना है, तो 6 9 54 होना चाहिए यहाँ पे, और 54 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक ना। तो यहाँ से उम्मीद है क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे समझ पाए होगे। पेन थोड़ा डार्क कर दूँ ताकि आप अच्छे समझ पाओगे ना, थोड़ा ज़्यादा सही नहीं चल रहा है ना, थोड़ा डार्क कर दूँ आप अच्छे समझ पाओ, देखो अब ऐसा लिखा जाएगा, ठीक ना, आप सही है। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा,
अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्या आप उसे सोल्व कर पाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें बताने के बाद तो दिख ही रहा है क्वेश्चन नंबर टू है कि नहीं। देखो, यदि 841 बराबर 3, 633 बराबर 5 तथा 425 बराबर 7 हो तो 217 बराबर क्या होगा। अब ये प्रश्न मैं सोल्व बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक ना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका समझ लो होमवर्क है, इसे थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, जैसा कि आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, तो देर फिर किस बात की, आगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर टू अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना है, तभी समझ पाओगे उसे। देखिए, यदि 264 स्टार 2 बराबर 6, यहाँ पे 870 स्टार 3 बराबर 11 हो तो 735 स्टार 5 बराबर क्या होगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं कि इसे नहीं बताऊँगा, इसे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रोक देना है, क्वेश्चन को बनाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है फटाफट, इसके बाद सोल्यूशन देखना ईमानदारी से, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बनाना है ना, या तो हम सिखा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम आप तब बना पाइएगा ना जब आपने खुद से बनाया होगा, इसलिए खुद से ज़रूर बनाओ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे शुरू हो रहा है, यदि 264 बराबर 264 स्टार 2 बराबर 6 या 264 स्टार 2, इन सबको कुछ करके 6 लाना आपका काम है, या फिर 870 स्टार 3 को कुछ भी करके 11 लाना है, ठीक ना। बस ऐसे अगर ला पा रहे हो तो यहाँ भी आप बना पाइएगा। अब देखो ऐसे कैसे हुआ वो समझो, अच्छे से देखना, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताना कमेंट बॉक्स में, अभी अभी टाइप करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 264 स्टार 2 बराबर 6 लिखा है, चाहे स्टार मान लो या गुणा मान लो, कुछ भी समझ लो, तो मतलब कैसे हो सकता है ये, इसे आप 6 कैसे लिख सकते हो, जोड़ो 6 2 8 4 12 12 2 14 14 का आधे 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 लिखे, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर अब चाहो देखो ये समझो, ऐसे कर लो 264 जो है स्टार लिखा, स्टार की जगह समझ लो भाग, दो से भाग लगा दो, दो से भाग लगाओ, दो एकम दो, दो तीन छः, दो दो चार, यहाँ पे कितना है 132, लाना कितना है 6, इन दो सभी को जोड़ दो, देखो आपस में जोड़ दो, 3 एक 4, 4 2 6, 6 आ गया, बिल्कुल आ गया। यही दूसरे में भी अप्लाई करके देखो, तुरंत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 870 लिखा है, स्टार करके 3 है, बराबर क्या 11 है, तो देखो 870 जो लिखा है इसमें स्टार की जगह क्या बताया था, भाग कर दो, 3 लिखा है 3 से कटाओ, 3 उन्नी 6, 2 8 27 हुए, 3 नम 27, 0 है 0 बना दो, इन दोनों को जोड़ सभी को जोड़ लो, 9 2 11, 11 में 0 जोड़ो 11 ही रहेंगे, देखो 11 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो अब आप समझ पाए होगे कि क्या हो रहा है इसमें, और चलो इसका भी देखो क्या होगा, 735 स्टार 5 लिखा है, बराबर पूछा क्या आएगा, तो देखो 735 लिखे हैं, ये स्टार की जगह समझ लो भाग, और 5 से भाग कर दो, देखो कटाओ, 5 एकम 5 2 7 23 हुए, 5 चौक 20 3 23 35 हुए, 5 7 35 कितना 147 आया, सभी को जोड़ दो, 7 4 11 और 1 12 कितना आया 12, 12 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, किस में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऐसे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है ना। रीजन में ये तो देखा जाता है आप कितना क्या क्या सोच सकते हो, फाइनली आपने खैर आंसर ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं, आ जाओ भाग के क्वेश्चन नंबर 4 पे। वैसे ना मुझे भी अब लगने लगा है कि मैं आपको बिल्कुल सिखा पाऊँगा, आप सीख जाइएगा, बिल्कुल सीख जाइए, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, हमारे साथ लगे रहिए, बहुत अच्छे से रीजनिंग आपको सिखा देंगे, मैथ भी सिखा देंगे, मैथ का भी क्लास चलता है, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, ठीक ना, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ही बताओ क्या कह रहा है, और मैं बताऊंगा तभी जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दोगे, पहले खुद दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इससे देखो, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि जब हमें सब करना है तो क्यों वीडियो बना रहे हो, ऐसा नहीं है, आपको आगे चल के आप ही को करना है ना, तो आप अभी से प्रैक्टिस करते जाइए ना, यहाँ हम तो बताएंगे ही आपको। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, देखो नंबर 1 रॉकेट, घोड़ा, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, इसे आपको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, सार्थक क्रम मतलब गति के अनुसार, सबसे कम गति किसकी, फिर उससे ज़्यादा इस टाइप से करना है। तो देखो सबसे पहले सबसे स्लो चलता है हवाई जहाज, है ना, गलत लग रहा है ना, बिल्कुल गलत है भाई, गलत है। सबसे स्लो क्या चलता है, बैलगाड़ी, सबसे स्लो क्या चलता है, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, देखो इसमें कहीं 3 नंबर वाला है, ये देखो ऑप्शन नंबर 2 है 3 नंबर वाला, बस यही है, तो कोई है नहीं, तो आप यहीं से टिक कर सकते हो कि अभी और कोई होने वाला नहीं, यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी लिए बता दूँ, बैलगाड़ी इससे तेज चलता है, फिर घोड़ा है ना, घोड़ा देखो 2 नंबर लिखा है, इसके बाद चलता है बस,
देखो पाँच नंबर बस, इसके बाद चलता है हवाई जहाज़ है ना, देखो हवाई जहाज़ 4 नंबर, और रॉकेट चलता है सबसे ज़्यादा तेज़, तो रॉकेट देखो सबसे ज़्यादा तेज़ लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जिसमें ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में इतना नहीं देखना है, ये बात समझ लो, हाँ एग्जाम इतना नहीं देखना, आप एक देखा तीन और किसी में है ही नहीं, सिर्फ इसी में है, तो समझ लो यही आंसर है पक्का, फिर आप इतना टाइम वेस्ट ना करो, तुम तेज पे टक करो ओके। और लास्ट में चाहो तो लास्ट वन में ला लो, सबसे तेज रॉकेट चलता है, रॉकेट 1 नंबर पे है, यहाँ पे भी 1 नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है ठीक ना। तो एग्ज़ाम में इतने जल्दी ऐसे बनाना जाता है ठीक ना, ना के करके मिलाते रहो। फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पिछली वीडियो में पूछा जा चुका था, उसी का आंसर मिलने वाला है, थोड़ा वेट भी कर लो, इतने जल्दी उसका आंसर ढूंढना चाह रहे, बताऊँगा थोड़ा सा, बस एक क्वेश्चन और रह गया देख लो, इसके बाद जस्ट अब झूठ नहीं बोलूँगा, पक्का बताऊँगा उसकी बार। देखो दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपको परेशान करने के लिए, ऐसी ऐसी सीरीज दे देगा आप चकरा जाओगे, समझ में आएगा क्या करें, तो आपको हम समझाएंगे क्या करना है कैसे करना है। देखो यहाँ से 2 से हो गया 10, 10 से 40, 40 से 120, 120 से 240, पूछ भी करता है यहाँ पे क्या आएगा, तो बताओ भैया क्या आएगा जब पूछ रहा है तो। अब देखो मैं आपको बताऊँ, अच्छे से समझना है, देखो 2 से 10 हो गया कितना बढ़ा 8, 10 से 40 हो गया कितना बढ़ गया 30, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है ये तो, कोई हिसाब तो बन रहा है, मान लो हम अगर ऐसे आता देखो 2, 4, 6, 8, अब हम आपसे पूछते बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो कोई नहीं है जो ना बताए सब, अच्छा 2 फिर 4, अच्छा 2 का पहाड़ पड़ रहा है, अच्छा 10 आएगा यहाँ पे, तुरंत बता देते, लेकिन ऐसे वो यहाँ पे किया ही नहीं, अब क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे 2 का पहाड़ नहीं पड़ा है, तो कुछ तो किया होगा, और जो किया वही आपको समझना है। देखो 2 के बाद 10 हुआ, क्या हो गया 2 में 5 का गुणा हो गया, क्या हो गया 10, क्लियर यहाँ तक। 10 के बाद 40 हो गया, तो 10 में कितना गुणा हुआ 4 का, समझ रहे, देखो पहले 5 का गुणा फिर 4 का गुणा, अब 40 से 120 हो गए, तो 40 में कितना गुणा हुआ 3 का, समझ रहे हो, पहले 5 का गुणा फिर 4 का, फिर 3 का हुआ, देखो 2 ही का हुआ होगा, देखो 120 दूनी 240 होते हैं, 120 में कितना गुणा हो गया 2 का, अब देखो पहले 5, 4, 3, 2, अब किया 240 में किसका गुणा होगा 1 का, तो 240 का गुणा 1 में करोगे, 240 गुणा 1 करोगे, तो वो 240 ही रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, तो फाइनली 240 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है क्वेश्चन 5 आपको समझ में आए होंगे। अब जो है बिना देरी किए आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर बता देते हैं जो आपसे पिछली वीडियो में कुछ भी करे थे हम। ये रहा क्वेश्चन आपका, पहले इसी टाइप से है ना, टाइप नहीं करता था पहले, हैंड राइटिंग वाले क्वेश्चन आपको सोल्व कराता था, फाइनली अब तो टाइप होने लगे हैं तो अच्छी बात है। ये आपका पुराना क्वेश्चन है तो इसे बताने की कोशिश करिए, देखिए पढ़िए, नीचे दिए गए, सॉरी 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 भगवे करता है, चल रुक जाए यहाँ पे, भगाएं तुझे, बचाओ हिल गया बेचारा, देखो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हिल जाते हैं हमारे सामने, आपके सामने भी हिलेंगे, कब जब आप सीखवे करेगा ना तब। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि 4 भिन्न है, विषम का चयन करें। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं एक, जिनका नाम है पूनम, पूनम निर्मल है ना, पूनम निर्मल जी हैं, उन्होंने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया है, अगर आप लोग भी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही दीजिएगा ना, तो आपको भी आपका भी वीडियो में बताऊंगा कि किसने आंसर दिया है, तो कमेंट में आंसर जरूर देने की कोशिश करिए। अब क्वेश्चन तो आप पूछा नहीं, अभी आंसर का करते हैं, तो क्वेश्चन पूछेंगे ना, अभी रुको तब तो। देखो पूनम निर्मल जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, यहाँ पे ऑप्शन था नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में मतलब किसी प्रकार की समानता जबकि 4 भिन्न है। अब देखो बकरी क्या होता है आप लोगों को पता होगा, गोट मिस बकरी होता है, पपी मिस पिल्ला होता है ना, काऊ मिस गाय होता है, बफेलो मिस भैंस होता है, और ये प्रश्न RRC ग्रुप डी हाजीपुर 8/12/2013 में पूछा जा चुका है। अब देखिए इसका आंसर फाइनली, उन्होंने आंसर जो बताया था, उन्होंने आंसर बताया था पिल्ला, अब क्या उनका आंसर ये सही है, तो बिल्कुल मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर चुका हूँ उन्होंने आंसर सही बताया, अब सही कैसे है वो समझो। देखिए बकरी क्या होता है, ये भी एक 4 पैरों का जीव होता है, गाय भी होता है, भैंस भी होता है, पिल्ला भी बेचारा 4 पैरों का होता है, लेकिन अंतर क्या है वही तो समझना। देखो बकरी क्या है, बकरी एक बड़ा सा जीव है ना, क्लियरली फाइन, गाय भी आप समझते हो क्या होता है, भैंस भी जानते हो, लेकिन ये सब क्या ना, ये सब जो है अपने कह सकते पूरा मतलब जानवर जो थे बन चुके हैं, लेकिन ये क्या है, अभी बच्चा है, क्या है बच्चा है, इस सब में बस यही पिल्ला अलग है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पूरे जानवर बन चुके हैं और ये भी छोटा बच्चा है ठीक ना, तो ये लगे ये सब जो है जानवर पूरे पूरे हैं और ये भी पूरा जानवर नहीं बना है, ये भी क्या है, ये किसी का बच्चा है ठीक ना, और ये कोई बच्चे तो है नहीं,
तो इसलिए ये सब तो एक जैसे जानवर है समझ लो, लेकिन ये इसमें से अलग है क्योंकि ये बच्चा है अभी। ठीक, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कल आपसे किसका आंसर लिखवाना है, आओ देखो। यही है वो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप अच्छे से बाद में भी टाइम निकाल के समझते रहना क्या होगा। देखो, यदि 841 बराबर 3, 633 बराबर 5 तथा 425 बराबर 7 हो तो 217 बराबर क्या होगा। चार गो ऑप्शन है, 8, 9, 6, 7। अब ऑप्शन तो भैया चार तो नहीं सही होगा, कोई एक ही सही होगा, सही कौन सा होगा वो आपको बताना है, आपको सोचना है। क्या सोचना कि 841 को क्या किया गया जो 3 बना दिया, 633 को क्या करके 5 लिखा, 425 को क्या किया जो 7 बन गए, वही आपको 217 को करना है, 8, 9, 6, 7 कुछ तो बनेगा ही, और जो बने फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, ठीक, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है हो जाएंगे, है ना, नहीं है अगर सब्सक्राइबर और आप चाहते हो वीडियो आपको वास्तव में पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं, है ना। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पाए मैथ और रीजनिंग। मैथ का भी क्लास चलता है, एक दिन मैथ होता है, एक दिन रीजनिंग होता है, ठीक ना। तो ज़रूर शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस लिए पता है? इसलिए कि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपका दिल का टनाटन घंटी बज जाए, फटाफट आ जाओ, देखो आके, समझो आके, है ना, अपने आप को जांचो आके। कितना रीजनिंग बनाने में तो मज़ा आता है बहुत, तो उस मज़ा को लूटो, है ना, एंजॉय करो, ठीक ना। तो फिर फाइनली कल मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वही सब, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, है ना, और बस वीडियो देख के एंजॉय करते रहिए, ठीक ना, समझ में तो पक्का आने वाला है। ठीक, मिलिए फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।